देखो यहाँ पे प्लीज इसका नहीं हुआ समझो, हम क्या करते हैं, मैंने क्या कहा था कि गामा बॉन्ड होते हैं, हम क्या करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक कर देते हैं, तो यहाँ में CH2 पॉजिटिव CH नेगेटिव CH2 नेगेटिव। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखो अटेंशन यहाँ पे क्या होगा, सी एस टू माइनस और यहाँ पे सी एस प्लस और यहाँ पे नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके आपको क्या बना देंगे, नहीं मत लिखो अभी, मतलब क्योंकि इजी क्वेश्चन से तो कर लोगे, पर ना होगा तो फिर मैं पहले दिन बताया जब भी आप कोई चीज सीखते हैं तो मैक्सिमम लिखते ना। जैसे ये कंपाउंड होते हैं यहाँ पे आते हैं, जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वही करिए, ठीक है। पहले डबल बॉन्ड को क्या करो पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करो, फिर देखो उसके कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो आपको डबल बॉन्ड देंगे। कहा इसके स्केल दो ऑप्शन,
एफ वाले के साथ बना ले डबल बॉन्ड, या फिर कैरो डबल हेडेड होगा, ठीक है? घुमाया नहीं है, डबल में चल जाता, घुमा नहीं बोलते हाइपोथेटिकली। अगर मैं बोल मान लो मैंने एक ऐसा कंपाउंड बना के तुम्हें बता था जहाँ पे ऑक्सीजन 16 की जगह ऑक्सीजन 18 है, आपको रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाने के लिए आप क्या करेंगे, मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ, ठीक है? क्या मैंने थे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, एक तो ये था और दूसरा क्या था, ये था, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, पहले तो आप अपने दिमाग में एक बेसिक स्केलेटन बना लो, जो रेजोनेंस होता है कौन से इलेक्ट्रॉन के रूप में, पाई वाला होता है, सिग्मा वाला तो अनअल्टर्ड रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, पहले सिग्मा सिग्मा वाले सारे बना लो, तो बेसिक स्ट्रक्चर ये, ठीक है? अब इनको नंबर दे दो अपने दिमाग में या कॉपी में, जहाँ बनाओ इसको वन दे देते हैं, इसको टू दे देते हैं, इसको थ्री दे देते हैं, इसको फोर दे देते हैं, ठीक है? अब देखो वन और टू के बीच में स्ट्रक्चर नंबर ए दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं, ठीक है? स्ट्रक्चर नंबर ए में वन और टू के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ठीक है? स्ट्रक्चर बी में वन और टू के बीच में कौन सा है, स्ट्रक्चर नंबर सी में क्या है, तो अगर इन तीनों का एवरेज लोगे तो कितना आएगा, समवेयर बिटवीन सिग्मा एंड पाई क्या आएगा, जो एक्चुअल में बॉन्ड होगा वो समवेयर बिटवीन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड होगा, कि दो जगह पे सिग्मा और एक जगह पे क्या है, पाई है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होगी वो क्या होगी, ना तो प्योर सिग्मा होगी ना तो प्योर पाई होगी, समवेयर बिटवीन सिग्मा एंड पाई होगी, इज दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है? तो हम उसको शो करने के लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करते हैं, टॉर्केट है, इट इज नीदर सिग्मा नॉर पाई, नॉट नॉट प्योरली सिग्मा नॉट प्योरली पाई। हम आते हैं नंबर दो और चार के बीच में, स्ट्रक्चर ए में क्या है, सिग्मा, यहाँ पे बी में, बी में दो और चार के बीच में क्या है, सिग्मा, चलो सी में, तो यहाँ पे अगेन फिर से क्या होगा, दो और चार के बीच में, दो और तीन के बीच में, यहाँ पे लिखते दो तीन के बीच में देखते क्या है, क्या आएगा, दो और क्या आएगा, ठीक है? इसको आप एवरेज निकाल सकते, अगर तुम एवरेज निकालोगे वन और टू के बीच में तो क्या आएगा, अगर आप एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, जो पाई होगा वो कितना होगा, टोटल बॉन्ड कितने हैं यार, दो और वन और टू के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, वन और टू के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं, चारों तीन चार तीन में शक्कर मिला के, यहाँ पे एक बॉन्ड है, यहाँ पे दो बॉन्ड है, यहाँ पे कितने, चार, हमारे टोटल कितने हो गए, चार, स्ट्रक्चर कितने टोटल, तो यहाँ पे जो ऑर्डर आ जाएगा वो कहना फोर बाई थ्री, ठीक है? जो यहाँ पे एक्चुअल बॉन्ड आएगा वो हम कहते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है, वन बाई थ्री थ्री, ठीक है? ऐसे हम कहते हैं बट ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे ज्यादा, पर कोई अगर किसी पूछे तो बता देंगे, ठीक है?
दो और चार के बीच में टोटल बॉन्ड कितने हैं तीनों स्ट्रक्चर में? चार। स्ट्रक्चर टोटल कितने? तीन। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ना तो बॉन्ड ऑर्डर वन है ना तो दो, ठीक है। नंबर टू और थ्री के बीच में तो फोर बाई नौ, अभी खत्म नहीं हुई का, अब देखते हैं नेगेटिव चार। ऑक्सीजन नंबर जो वन नंबर है वन पे कितना है नेगेटिव? टू में कितना है? स्ट्रक्चर नंबर बी में ऑक्सीजन नंबर वन पे कितना है? इसमें तो टोटल चार्ज यहाँ पे कितना होगा? टोटल चार्ज कितना हुआ? माइनस टू। स्ट्रक्चर कितने हैं? इफेक्टिव चार्ज कितना हुआ? ठीक है, यहाँ यहाँ पे कितना चार्ज है? यहाँ पे माइनस वन, तो टोटल कितना हो गया? माइनस टू। और टोटल स्ट्रक्चर कितने हैं? तो इफेक्टिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन वन कितना हो गया? इसमें क्या होता है, जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है क्या होता है? केमिकल स्ट्रक्चर्स के मिल के बना सारे केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वही एक्सपेरिमेंट करते हैं, अभी आते हैं सर, थोड़ा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ पूरा। अब आते हैं ऑक्सीजन नंबर फोर पे, या फोर नंबर एटम पे बताइए, यहाँ पे कितना नेगेटिव चार्ज है? यहाँ पे, यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितना होगा इफेक्टिव चार्ज? यहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना होगा, सॉरी कार्बन पे कितना होगा? अच्छा, अब देखो जो रेजोनेंस हाइब्रिड है उसमें टोटल चार्ज कितना है? माइनस टू। क्या हर एक पे माइनस टू ही चार्ज है? देखो ये भी माइनस टू है, तो हमने ना तो कोई चार्ज क्रिएट किया ना तो कोई डिस्ट्रॉय किया, चार्ज हमेशा कंजर्व रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से माइनस टू करके माइनस टू करके माइनस टू करके हम हाइब्रिड बनाते हैं। अब ना इस केस में इजी था, लेकिन इस केस में जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो क्या है आपका? इक्वल, ठीक है। इस केस में जो तीनों स्ट्रक्चर है वो डेफिनेटली इक्वल है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जनरली हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाला है ये चार्ज निकाला है, ऐसा हम नहीं कर पाते। तो हम क्या लिखते हैं चार्ज के यहाँ पर डेल्टा माइनस, जब हम ऐसा नहीं कर पाते कि हम एग्जैक्ट चार्ज बना पाए तो हम क्या कर देते हैं वहाँ पे डेल्टा नेगेटिव पार्शियल चार्ज, ठीक है। तो जनरली ऐसा नहीं होता कि जो आपका हाइब्रिड हो क्या हो इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम द ऑल द केमिकल स्ट्रक्चर, तो हम क्या करते हैं उस केस में जनरली ऐसे कर देते हैं। बट इस केस में इक्वल है तो आपका निकाल देते हैं। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था ये बहुत सही, इसका इसको जब बोलते वैसे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? फोर बार टू। चार्ज कितना है? माइनस, ठीक है। अब हम और एक भी क्वेश्चन करता हूँ फिर और समझ में आएगा। वैसे वो वाला जो क्वेश्चन दिया था CH2 double bond CH, इसका मैं हाइब्रिड बना देता हूँ नेगेटिव। इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आया था? ये आया था हाँ, इसका हाइब्रिड बनाते हैं वन टू थ्री, वन टू थ्री, ठीक है। पहले स्केलेटन बना लेते हैं, सारे सिग्मा बॉन्ड बना दिए, अब डबल बॉन्ड को देखते हैं। वन और टू के बीच में स्ट्रक्चर नंबर ए में कौन कितना बॉन्ड है? नीरो, बराबर। स्ट्रक्चर नंबर वन ए में वन और टू के बीच में कितना चार्ज है, सॉरी कितना बॉन्ड है? दो है। स्ट्रक्चर नंबर बी में वन और टू के बीच में कितने बॉन्ड है? तो इफेक्टिव यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा? मोर देन वन, लेस देन, ठीक है। इस केस में भी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन है तो आप 1.5 बोल सकते हो, बट कोई बात नहीं, हम नहीं बोलेंगे ऐसे क्योंकि वो जनरली सही नहीं होना ज्यादा पता है। तो हम ये मोर देन वन लेस देन टू पूछेंगे, बट अगर कोई जबरदस्ती आपसे पूछा नहीं एग्जैक्ट बॉन्ड ऑर्डर बताओ तो मोस्ट ऑफ द टाइम उन केसेस में क्या होगा? इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपसे जबरदस्ती कह रहा है कि रेजोनेंस करके बॉन्ड ऑर्डर बताइए तो वो केसेस में क्या होगा? इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे अगर कोई बॉन्ड ऑर्डर पूछे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा इसका? अच्छा, टू और थ्री के बीच में देखो क्या है, क्या होगा यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? मोर देन वन लेस देन, चार्ज देखते हैं क्या नंबर वन पे कोई चार्ज है? यहाँ पे ठीक है, यहाँ तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1/2। और अगर आपको नहीं पता होगा तो आप क्या लिखते?
क्या नंबर टू पे कोई चार्ज है यहाँ पे? क्या नंबर थ्री पे कोई चार्ज है? यस यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? ठीक है ये गेम का सब यहाँ पे पहले वाली काम बनाइए इनको पहला तो क्वेश्चन कराना सहायक बनाइए डबल किसे दौड़ा बनाते हैं पहला था सहायक बनाइए पहला इतना बनाइए ना सीएस टू डबल वन सीएस सिंगल वन सीएस डबल वन सीएस पहले चक्कर मार लो फिर से वन तो ना दे रहे हैं मतलब एक ही स्टेप में दोनों को दे रहे हैं वन तो ना क्या करो मैंने एक बार चार्ज करूं तो वन ना तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड था वो क्या था CH2 नेगेटिव सॉरी जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे CH डबल बॉन्ड CH CH2 पॉजिटिव एक तो ये था और क्या था CH2 पॉजिटिव CH डबल बॉन्ड CH CH2 ये बनाए थे हमने कितने लोग बन गया ये कैसे नो अब इसका हाइब्रिड बनाते हैं ठीक है तो पहले स्केलेटन स्ट्रक्चर ले लो स्केलेटन मतलब मेरा कहने का मतलब है विदाउट पाई बॉन्ड के विदाउट पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज सारे लिखे हैं ठीक है अब नंबर दे देते हैं 1 2 3 4 और इसको नाम देते हैं ए बी सी ये 1 2 3 4 नंबर सेम रहेगा तो देखो 1 और 2 के बीच में स्ट्रक्चर ए में कितने बॉन्ड है स्ट्रक्चर बी में स्ट्रक्चर सी में तो इफेक्टिव बॉन्डिंग क्या होगी यहां पे इक्वल कॉन्टिन्यूटी नहीं है इसलिए मैं कह रहा था कि मैं बोलूं कि 1 और 2 के लिए हूं ना ऐसा यहां पे कोवैलेंसी नहीं है ना कोई आपसे एग्जैक्ट पूछेगा ठीक है क्योंकि यहां पे इक्वल कॉन्टिन्यूटी नहीं है मैं आपको पढ़ाऊंगा ये ऑर्गेनिक में बोलोगे पहले वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा होता है इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन कम होता है सेम पहले वाले का 60% है इनका 20% तो ये सेकंड बॉन्ड लेंथ होगी वो एग्जैक्टली 4/3 नहीं आएगा आपको आंसर क्या देना है आप हमेशा ऐसे बोला करो 1 और 2 जब कोई आपसे जबरदस्ती पूछे कि बॉन्ड ऑर्डर बताओ क्या ठीक है तो आप क्या बोलोगे तब 4/3 वगैरह बोलोगे वो बॉन्ड ऑर्डर है बॉन्ड लेंथ नहीं ठीक है जब आप बॉन्ड लेंथ किसकी होगी 1 और 2 के बीच की होगी दो और तीन के बीच में क्या होगा क्या होगा आपका 1 और 2 के बीच में लेकिन अच्छा ये बताओ अगर आपसे तो पूछे 1 और 2 के बीच जो रेजोनेंस हाइब्रिड है वहां पे 1 और 2 के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी या 2 और 3 के बीच में आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा है ये ऑप्शन देखिए इनका गिवन स्ट्रक्चर
इन द गिवन स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस हाइब्रिड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ठीक है, लाइक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन 1 एंड 2 इज हायर देन बिटवीन 2 एंड 3. The electron density between 2 and 3 is higher than 1. And we will write it first. So, 2 and 3 ke beech mein kya hai aapka? Double bond aur single bond ke beech mein. Now, aate 3 aur 4 ke beech mein. 3 aur 4 mein kaun sa bond hai? Double bond. Yahan pe? Yahan pe? Yahan pe again kya hoga? 1 aur kuchye? Beech mein. Now, aate. Kya carbon number 1 mein koi charge hai? Carbon 2 pe? Carbon 3 pe? Sorry. स्ट्रक्चर बी के कार्बन नंबर 1 पे कौन सा चार्ज है? स्ट्रक्चर सी के कार्बन नंबर 1 पे प्लस. इफेक्टिव कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं. कार्बन नंबर 2 में, कार्बन नंबर 3 में, कार्बन नंबर 4 में, स्ट्रक्चर ए में, स्ट्रक्चर बी में, स्ट्रक्चर सी में, इफेक्टिव कितना हो गया? नाउ राइट डाउन द क्वेश्चन. ये देखो क्वेश्चन किसी को बन गया था ये वाला? Yes sir. मेरे क्वेश्चन के इन डाबा रेजोनेंस हाइब्रिड, इन डाबा रेजोनेंस हाइब्रिड हाइब्रिड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 1, 2, 3, 4 ला देना नंबर. ठीक है, ये सब में ला देना हाइब्रिड में 1, 2, 3 को ला देना. तो the following statement is correct. Resonance hybrid. Which of the following statement is correct? Okay. Electron density is equal to what? Zero to one. Zero to one. Hybrid. Zero to one. Hybrid. Hybrid. Electron density between all the carbons is same. It's same. Electron density of all the carbon is same. Second, electron density between carbon 1 and carbon 2. ऐसे लिखना होगा. C1, C2N. C3, C4 is same. Electron density between carbon C1, C2 and C3, C4 is same. Okay. Electron density between carbon 1, carbon 2 is greater than carbon 2, carbon 3. ये फिर से टॉपिक आएगा आपका भी जगह तो डोंट वरी. अगर मतलब थोड़ा अच्छे से क्लियर बट आपको फिर भी बेसिक समझ मान के होगा तभी नहीं समझ में आएगा. ठीक है, क्योंकि टफ होता है थोड़ा सा. ये कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगेन कार्बन 2 3 इज ग्रेटर देन कार्बन 3 2 है मल्टीपल करेक्ट है. नहीं यस मैन, मल्टीपल करेक्ट है. सो बी सी डी कहते जो कह रहे हैं कि तो आप लेकिन काम हो गया ना. कितने लोग कह रहे हैं बी और डी इनसे कितने लोग सहमत हैं? कितने लोग कह रहे हैं कि बी और डी सही है? आपका बी और डी है. आप कह रहे हैं और कौन कह रहा है? और कोई दूसरा आंसर है? बी सी डी. बी सी डी कितने लोग एग्री करते हैं? बी सी डी है. सी और डी सी और डी है. आपको बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब आता होगा. मतलब सी और डी का ऑपोजिट है ना.
Okay, was it your B C or D? Sir, you mean, sir, near, sir, B R C. B R C, कितने लोग क्या है? क्या काम कर रहे हैं इसका? B R B. Inconsistency का बोला, आपसे बोला गया inconsistency को comment करना in the given resonance type. पहला statement कह रहा है कि carbon number one, carbon number two, carbon number three, carbon number four सब जगह inconsistency equal. अंतर के धामिया का bond length क्या equal है? अगर आप inconsistency क्या है same. Second statement क्या बोला आपने? C कह रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉनिक्सी बिटवीन कार्बन वन एंड टू एंड कार्बन थ्री एंड टू सेम है इस अपार ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड तो देखो बीओडी सही है ना पेयर है अभी हमने देखा कि कार्बन नंबर वन में जो कंट्रीब्यूशन था कार्बन नंबर वन और टू के बीच में जो कंट्रीब्यूशन था ये क्या था दो एक तीन एक चार था और कार्बन नंबर टू और थ्री के बीच में जो कंट्रीब्यूशन था वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का था दो सॉरी कितने मोल का था दो दो तीन एक दो तीन चार पांच ठीक है तो यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का था पांच का तो बाय डेफिनेशन सिंपल दोनों क्या हो सकते हैं सेम नहीं होंगे यहाँ पे चार बॉन्ड का कॉन्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे कितने का आ रहा था पांच बॉन्ड का अगर ये पांच का रहा था तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी तो ज्यादा होगी तो आपका C2 C3 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी आपकी ज्यादा होगी C1 C2 से सही जवाब भी कम है था क्या कोई वाला भी कम नहीं था भी कम नहीं होता यहाँ पे कम हो गया ना बट कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं मैंने क्या जो हाइब्रिड बनते हैं वो कंट्रीब्यूशन से बनते हैं सर डेंसिटी की बात कर क्या डेंसिटी भी तो था डेंसिटी डेंसिटी की बात करें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कितना हो गया मान लो चार इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दो है यहाँ पे दो है तो टोटल कितना हो गया आठ ठीक है जो वन और टू के बीच में टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी हो गई आठ इलेक्ट्रॉन वो बटेगी ठीक है यहाँ पे कितना हो गया तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बटेगी वो कितनी की बटेगी दस की बटेगी क्लियर तो दस की अगर बटेगी तो यहाँ पे ज्यादा होगी ना उतने ही स्पेस में अगर दस इलेक्ट्रॉन आप रख रहे हैं यहाँ पे आठ आठ हैं तो क्या होगा आपका वो ज्यादा क्लियर है चलो एक और क्वेश्चन कर लो फिर दूसरा टाइम करते हैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने और हाइब्रिड बनाना जो लास्ट में होता है कॉल करते हैं ये बात में बोलना ये वैसे से ये से दवाई की है बोला तो वैसे ही आएगा ये जो कौन सी है मतलब मेरे को वैसे ही चार चीज ये वाला से फोन है दोनों से इसे कंप्लीट हो तो आगे हो जाएगा
जो सीखा हमने हमें तो नहीं पता ये कम बना दिए ये हम लोग जिसमें देखते हैं चार्ज क्या आ रहा है हंड्रेड में चार्ज माइनस वन माइनस वन फोर सी एच वो भी कितना आ रहा है माइनस वन सी एच थ्री में सी एच थ्री में नहीं आ रहा सी एच टू में माइनस वन अब माइनस वन माइनस टू आएगा ना माइनस वन बाई वन बाई टू माइनस वन बाई टू होगा दोनों माइनस हाफ से आएगा CS2 पे CS3 पे नहीं आएगी देखो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे लिखते हैं दो तरीके होते हैं लिखने के देखो या तो डेल्टा में लिखे लिखे देखो पहले क्या होगा यहाँ पे इसको तोड़ दो सी एच थ्री सी ओ नेगेटिव पॉजिटिव सी एच टू नेगेटिव ठीक है अब क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे आपको ठीक है ये हो जाएगा अब देखो जब आपको इनका हाइब्रिड बनाना है तो क्या करेंगे आप स्केलेटन स्ट्रक्चर लिख दो ठीक है यहाँ पे इसको डाल दो वन टू थ्री फोर ठीक है वन और टू के बीच में क्या कुछ चेंज होगा वन और टू के बीच में कोई चेंज नहीं होगा दोनों में टू और थ्री के बीच में देखो क्या वहां पे कौन सा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे क्या रहेगा ठीक है और टू और फोर के बीच में वहां पे कौन सा बॉन्ड है और यहाँ पे चार जब आप देखो क्या करो जब चार्ज की बात क्या आएगा जब चार्ज आपको माइनस आर भी ठीक है इतना करेक्ट क्लास में से करके पास कर दो यहाँ पे क्या है आपका एग्जैक्ट आपको कंट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं मिल रहा तो यहाँ पे चार्ज के रूप मिलने होंगे दोनों का इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा अगर इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा तो माइनस हाफ इतना करेक्ट नहीं होगा ठीक है तो हम क्या करते हैं हम या तो यहाँ पे माइनस एट या डेटा करके लिख देते हैं डिफरेंट वर्क करता है ठीक है हम क्या करते हैं ओवरऑल माइनस वन ऐसे लिख देते हैं ओवरऑल तो माइनस वन ही होगा चार्ज कंजर्व होता है हमेशा तो लिखने का तरीका आप कोई भी ऑफ कर सकते हो कोई भी गलत नहीं माइनस हाफ भी इवन चल रहा है ठीक है आप लिख के पेपर है तो चल रहा है यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है माइनस वन यहाँ पे टोटल चार्ज कितना है लेकिन दोनों अलग अलग एटम पे ना वहां पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे बातें मत करो हाँ वही समझा नहीं समझा वहां पे माइनस वन है यहाँ पे माइनस वन तो चार्ज तो टोटल माइनस वन ही रहेगा ठीक है वहां पे नेगेटिव किसके है कार्बन पे यहाँ पे नेगेटिव किसके है ऑक्सीजन पे तो हम या तो ऑक्सीजन पे माइनस लिखते हैं हाफ या माइनस डेल्टा और कार्बन पे डेल्टा तो दो तरीके हैं लिखने के या तो यहाँ पे ऐसे करके लिखा दो या फिर ये डेल्टा इसको अच्छा नहीं लगता वो क्या करो पूरे पे माइनस वन लिखो तो क्योंकि चार्ज टोटल तो हमेशा सेम ही रहेगा तो माइनस वन ठीक है
200 दूसरा बात समझ रहे दूसरा सेम लाइन जा रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव के इजीली आप नहीं कर पाएंगे ठीक है। तो उसका एक सिंपल दो एग्जांपल होते हैं बस, एक तो होता है जिसमें लोड पेयर आते हैं जैसे कि CH3 और CH2 डबल बॉन्ड CH वो एच कहीं भी देख लेना ऑक्सीजन की चार से ज्यादा हो तो हटा देना होंगे ठीक है। ये बना ऊपर लोड पेयर ठीक है ना। डबल बॉन्ड कितने से बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, जब एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है वहां पे हम पॉजिटिव नेगेटिव को दे देते हैं। यहाँ पे दूसरी ट्रिक क्या होगी, इस पूरे बॉन्ड को क्या कर दो आप डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो जो भी लोन किया है बस करते क्या समझ सर इसको ब्रेक कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव में ब्रेक करने की वैसे जरूरत नहीं है बट चलो दो तरीके से समझा दो जो समझ में वो कर लेंगे ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इस पूरे को यहाँ पे भेज दो ठीक है। इस पूरे को अगर यहाँ पे भेजोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसीज हो गई क्या आ जाएगा इस तरीके से। जब भी आप लोन पेयर का करते हैं तो लोन पेयर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं, हाँ डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके एक्सेस पाई बॉन्ड होता है उसको क्या कर देते हैं नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर पॉइंट ठीक है। दूसरा तरीका समझने का क्या है, अभी भी तोड़ दो मुझे वो अच्छा नहीं लगता इस केस में। यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या है इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या करेगा यहाँ पे जाएगा ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा क्योंकि एक बॉन्ड किससे बनता है दो इलेक्ट्रॉन से बनता है ना yes. तो यहाँ पे ये इस तरीके से हम दोनों को लिख सकते हैं। दो भी तरीका आपको बनाना है, मुझे पहला वाला ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि आपको फिर वही यूज करना है पहले ऑर्बिटल वाला नहीं बट आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर ये वाला तरीका यूज करेंगे तो इसको नहीं बनाना कॉपी में ऑक्सीजन भी बचा रहे वो रखा है क्या वैसे रहेगा एक और नहीं एक ही और फिर अभी पढ़ेंगे आप ये तो पढ़ाना है मेन केस ही वही है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सा नहीं ठीक है। एक एग्जांपल आप भी कर लो मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट पे क्या है कि लोन पेयर को आप नेगेटिव चार्ज से ना ट्रीट करो समझ गए। अगर आपको दिख रहा है तो दूसरा मेथड हमने यूज किया उसमें लोन पेयर को हमने कैसे ट्रीट किया एज अ नेगेटिव चार्ज क्लियर पॉइंट लोन पेयर को एज अ नेगेटिव चार्ज ट्रीट किया है तो काम हो जाता है। अगर ऐसे शब्दों के थ्रू अभी ऐसे समझ लो लोन पेयर एज अ नेगेटिव चार्ज ट्रीट करो क्लियर है। पहले मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मम्मी क्या पहला वाला तरीका भी छोड़ दो अभी थोड़ी देर में ये क्या हुआ आपका लोन पेयर यहाँ पे आया लोन पेयर आया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आया तो कार्बन की पांच वैलेंसी हो जाएंगे कार्बन की पांच वैलेंसी हो जाएंगे तो एक वैलेंसी काम करने के लिए हमने डबल बॉन्ड को इधर मूव कर दिया बट अभी इसके थ्रू बच जाओ अभी ये सब बोलते हैं ट्रीट द लोन पेयर एज नेगेटिव चार्ज तो यहाँ पे एज ए नेगेटिव चार्ज समझ लो है उसको पॉजिटिव नेगेटिव में तोड़ दिया तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिल गया क्या हो गया
लोन पेयर को एज अ नेगेटिव चार्ज ट्रीट करो, क्लियर है? इसका हाइब्रिड बना लोगे? इसका हाइब्रिड बनाइए, ठीक है? ये बना और हाइब्रिड की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा, अगेन स्केलेटन स्ट्रक्चर बना लो, ठीक है? इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, चलो ठीक है आगे चलेंगे। वन नंबर वन पे देखो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब वन और टू के बीच में क्या है, ऊपर वाले में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, क्या है यहाँ पे ओवरऑल क्या हो जाएगा, वहां पे क्या है, ऑक्सीजन कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, दूसरे वाले में ओवरऑल, यहाँ पे बीच वाले में कुछ नहीं है, राइट ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है? इस तरीके का डालेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर इसके ऊपर जीरो चार्ज है, यहाँ पे प्लस वन चार्ज है, तो टोटल क्या हो लिखेंगे हम, डेल्टा पॉजिटिव, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं सर, जब हम तो रेजोनेंस कर रहे थे ना, हमें डबल ऑफ सेंटीमीटर वैसे ही हो गया ना, यहाँ पे भी नहीं समझा क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हैं बातें करना बंद कर दो, सी एच नेगेटिव था यहाँ पे, सी एच पॉजिटिव था, और यहाँ पे क्या है, ओ एच नेगेटिव, लेकिन इस बॉन्ड में दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इसके ऊपर क्या आ गया, चलो एक आखिरी चीज देख लेते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू पॉजिटिव, तो अभी तक तरीके से क्या होने के सिंपल है, अब जैसे अभी तक किया वैसे ही करना, आपको कोई नया लॉजिक नहीं है। अरे हम लोग बुक राइटर्स संभव हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये सिर्फ
देखो यहाँ पे क्या होगा आपका, अगेन इसको तोड़ देते हैं सी एच टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव सी एच पॉजिटिव सी एच टू पॉजिटिव। क्या ये यूज़फुल होगा तरीका? जब ये पॉजिटिव पॉजिटिव पास में थे इसका कोई यूज नहीं होगा। तो हम दूसरा तरीका देखते हैं सी एच टू पॉजिटिव सी एच नेगेटिव सी एच टू पॉजिटिव, इन दोनों का क्या होगा आपको समझ गए? ठीक है, और फिर इन दोनों का हाइब्रिड बना लो, हाइब्रिड से क्या कर लिया सर। तो यहां तक हो गया आपका रेफरेंस। हम समझते हैं कि रेफरेंस फंक्शन कैसे करता है, नहीं समझ में तो कोई बात नहीं, कोई स्टेप के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, चेक के लिए इंपॉर्टेंट है, तो कॉपी करके अपने एक बार भी ट्राई करते हैं, एक बार दोबारा करेंगे तो समझ आ जाएगा। अब देखो एक काम करो, फाइव वन बनाना है इसका नाम, एड्रेसिंग वगैरह तो बनाना था ना, इसका बनाओ। कैसे बनाना मैं एक बार बता देता हूँ, जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देखो, वो याद है ना एक कार्बन सी एच टू का, देखो प्लीज बातें करना मतलब ये सी एच टू, अगर मैं इसका बनाना है ऑर्बिटल तो कार्बन कितना होता है आपका, हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे ठीक है, तो इस वाला कार्बन को यहाँ पे कार्बन क्या होता था, कार्बन होता था छह, ठीक है, छह का मतलब कितना होता है ठीक है, तो फिर क्यों होता था तो यहाँ पे क्या होता है दो एच है और दो ठीक है, ठीक है, एक पी आपका क्या है खाली है, ठीक है, एक पी आपका खाली, यहाँ पे एस पी टू था हाँ ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पे, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में क्या होता था आपका, ये आपको क्या दे रहा है एक्साइटेड स्टेट, आपको कितने सिग्मा बॉन्ड बनाने थे पर कार्बन में, तीन सिग्मा बॉन्ड बनाने, तो ये तीन मिलके क्या बना देंगे आपको और एक प्योर भी रह जाता था, याद है किया था ये सब, नहीं याद है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे कार्बन क्या है sp2, तो यहाँ पे कार्बन के तीन बना लिए मैंने sp2, ठीक है, इधर वाला कार्बन भी सेम होगा sp2 वाला, तीन sp2 ये लग गए, यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, जस्ट रिवाइज कर रहा हूँ मैं, पढ़ा दूंगा ये बहुत डिटेल में, और यहाँ पे क्या बचा है p ऑर्बिटल बचा है, तो p ऑर्बिटल बचा है वो क्या करेंगे आपस में ओवरलैप करके y बॉन्ड, क्लियर है ना? अब देखो मैं मुझे ये समझना आपकी, मैंने ये क्यों कहा था कि पाई सिग्मा पाई वाला भी वर्क कर रहा है, तो आप क्या करो इसका स्ट्रक्चर बनाओ ऐसा वाला और होमवर्क के लिए बैठा के लाना, ताकि पढ़ करके बनाओगे तो शायद थोड़ा सही से मिलेगा, ठीक है, तो अब दो तीन काम करना, एक तो और जो नहीं करके लाएगा क्लास से बाहर कर देंगे उसे, ठीक है, करना सीख, क्लास से बाहर करना सीख लिया मैंने, नहीं लग रहा है इसलिए कि हमने कभी बाहर नहीं करता, तो फिर कैसे कहते सर आपने बाहर बाहर करना है, करके लाइव मिशन होमवर्क
और फिर मैंने कहा अगली बार नहीं होगा, 5 हजार को थोड़ा बच्ची करके लाया, दोनों ने पिछली बार कहा था कि नहीं करके लाया, बच्चे पिछली बार करके लाए थे जिन्होंने ये चीज शुरू करवाई थी, तो वो आज करके नहीं लाए, तो मैं बच्चे करके लाए थे, वो कहने लगे सर आपने बाहर तो बाहर नहीं चल रहे हो क्लास के बाहर, तो पीछे तो खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है CH2 CH2, इन दोनों का बना के लाना और आप डिफरेंस देखेंगे। जो पाई ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है, पी ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है, उनमें आपको एक डिफरेंस देखना है, ठीक है? तो एक चीज देखना, ये तो मैंने कराया भी था। ये तो मैंने क्लास में कराया था, अगर किसी दिया इसमें जो पी ऑर्बिटल्स आते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो पैरेलल होते हैं या परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर, ठीक है? तो इसलिए रेजोनेंस सिग्नल नहीं हो जाता। रेजोनेंस होने के लिए बेसिक तो उसका रीजन ये है कि जो भी आपके इलेक्ट्रॉन्स, जैसे कि हमारा जब हम रूम या कैलकुलेट करते थे, सॉरी जब हम फैक्टराइजेशन करते थे या जब हम स्ट्रक्चर को कैलकुलेट करते थे, स्ट्रक्चर को फिगर आउट करते थे, तो वहां पे हम क्या काउंट करते थे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नेगेटिव, ठीक है? पाई पाई को तो हम कंप्लीट कर देते, तो नोट करके ले लेना या करनी है कि जो भी लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम हाइब्रिडाइजेशन के मामले में वक्त या स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करते वक्त नहीं लेते हैं, ठीक है? दोस देखो दोस नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर एंड दोस लोन पेयर नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर इस पार्टिसिपेट इन द रेजोनेंस this participate in the resonance are not taken into account for the calculation of for determining hybridization and structure, ठीक है? 5 मिनट का ब्रेक लेते और ज्यादा बोलना पड़ रहा है जो भी चीज आपकी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेते, ठीक है? तो जैसे कि जो लोग ऑनलाइन है 7 मिनट का ब्रेक है, ठीक है? पढ़ाया, अभी जो रेजोनेंस पढ़ाया वो नहीं पढ़ा होता, तब आपके अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होगा?
सिक्स का था, बट ठीक है मैंने आपको बता दिया है कि अगर तो नेगेटिव चार्ज या लोन गया तो उनमें से वो रेजोनेंस में पार्टिकल्स में करते हैं तो उनका हम क्या करते हैं कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं एनर्जी। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है क्लियर पॉइंट। ऊपर वाले में भी इतनी सिंपल स्ट्रक्चर वगैरह जहाँ पे भी ऐसा होगा वहां पे क्या लेंगे ऐसा नहीं, ठीक है। अच्छा जैसे कि इसका बहुत ही अलग से एग्जांपल अगर लेते हैं कुछ इसको देखते हैं यहां पे अगर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन है तो जो बिना रेजोनेंस पड़ी हुई है तो क्या होगा sp3 इन डायगोनल पाई पैरामीटर सॉरी डायगोनल पिरामिड, ठीक है। अब अगर मैं ये हम रेजोनेंस पर चुके हैं तो हम देख सकते हैं कि ये क्या होगा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, क्लियर है। अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो यहां पे क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा sp2 sp2 सही है, ये सबको तो ये चीज होती है। तो अगर मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका कोई लोन पेयर और नेगेटिव है पेशेंट क्लियर है ना, कि अगर वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसको हम डिटरमाइन करने से ज्योमेट्री या हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय उसको अकाउंट में नहीं देते। तो सपोज करो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ये होता ठीक है, तो यहाँ पे कितना है नाइट्रोजन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीन सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है इसका sp3। और क्योंकि यहाँ पे आपका जो है वो क्या है CH3 double bond CH NH2, यहाँ पे क्या है आपका ये रेजोनेंस में जा रहा है, अगर ये रेजोनेंस में जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा आपका तीन सिग्मा ही केवल काम हो गया लोन पेयर नॉन नहीं, तो ये क्या हो जाएगा आपका sp2। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब मैं एक आगे और एप्लीकेशन दूंगा, एक तो ये एप्लीकेशन हो गया, दूसरा होता है मेन जो एप्लीकेशन होता है रेजोनेंस का वन ऑफ द मेन थिंग है वो होता है कि तीन होते हैं एप्लीकेशन की स्केलेबिलिटी होता है वो अभी मैंने कहा ना एसिड बेस वाला होता है, जब भी कहीं पे भी रेजोनेंस होता है अपने को इसलिए करें इसलिए अब एप्लीकेशन नंबर टू डालो या नंबर टू पॉइंट डालो, पॉइंट नंबर टू पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट और डाल देना, पहला पॉइंट हो गया हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड पॉइंट है असेंबलमेंट, अरे वीडियो नहीं ऑन है, वीडियो बंद किया था क्या किसी ने? नहीं सर, एक टाइम से ऐसे ही था, वीडियो ऑन से मैंने नहीं किया था सर, माइक ऑन है आज बिना माइक के पढ़ा क्या मेरा वैसे था पहले बता दिया भाई ये सब ध्यान नहीं रखा सबको एक साथ ही दवाई काटने सेकंड पॉइंट पर स्टेबिलिटी आती है प्राइम नंबर स्टैंड पहले चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि चार्ज हमेशा क्या होता है दो होता है, ठीक है। तो अगर चार्ज कहीं पे बढ़ रहा है तो दो क्या होता है मॉलिक्यूल का कम हो रहा है, तो क्या आप देख सकते हैं हमने जो रेजोनेंस किया उसकी वजह से चार्ज का क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पहले एक जैसे
इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच टू नेगेटिव। अगर जैसे ये नेगेटिव चार्ज ही हम ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता तो नेगेटिव चार्ज केवल एक कार्बन पे होता, बट क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो जाता है तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे आ जाता है, दो कार्बन पे आ जाता है, दो कार्बन पे आ गया ना। अगर ऐसा हाइब्रिड बनाओगे तो नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, स्प्रेड आउट हो गया, तो उसकी वजह से क्या रहती है, स्टेबिलिटी। क्लियर है भाई? ठीक है, लेकिन ड्यू टू क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, स्टेटमेंट तो लिख ही दिया था कि ज्यादा रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है, तो ब्रैकेट में लिखना ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होती है, ड्यू टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। अच्छा, अब जैसे बेसिक से क्वेश्चन है कि H2SO4 बहुत ही अच्छा एसिड क्यों है, फिर आपके स्कूल के लिए दो चार पैट क्वेश्चन है उन्हें जो घर में ट्राई करना, जैसे कि कार्बोनेट का बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाला था, बॉन्ड ऑर्डर चार्ज फॉर्मल चार्ज, कार्बन जो माइनस टू बाई थ्री आता है उसे हम फॉर्मल चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट का हो गया, फॉस्फेट का हो गया, सल्फेट का हो गया, इन सब बहुत पूछते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन, स्कूलों पूछेंगे ये सब ना कि नहीं पूछेंगे, कार्बोनेट फॉस्फेट सल्फेट इन सब का फॉर्मल चार्ज और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये पूछेंगे। ठीक है, तो कार्बोनेट करना सिखा दिया हमने, सल्फेट और फॉस्फेट खुद कर सकते हो। देखो एक और